इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व करते हैं। चैप्टर 3 है मैट्रिसेस, क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है एंड सी मैट्रिक्स है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। रोमन 1, 2, 3, 4, 5 है, नेक्स्ट पेज पे है, ए प्लस बी है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है और बी ए मैट्रिक्स है, क्या दोनों आपस में ऐड हो सकते? यस। सबसे पहली कंडीशन ऑर्डर सेम रहना, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, 2 × 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद करस्पॉन्डिंग ऐड होते, 2 + 1 कितना हुआ, ये 3 हुआ, 4 + 3 कितना हुआ, 7 हुआ, 3 - 2 कितना हुआ, 1 हुआ, 2 + 5 कितना हुआ, 7 हुआ। अरे आया नहीं आंसर? यस आंसर आ गया मेरा, ठीक है। ए माइनस बी, एक काम करो पहले ए लिख लेंगे मैट्रिक्स हम, क्या है, 2, 4, 3, 2, ठीक है। ऑपरेशन क्या है, माइनस है, बी बी क्या है, 1, 3 - 2, 5, ओके ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे, क्या दोनों आपस में डिफरेंस सब्ट्रैक्शन होते, यस ऑर्डर सेम है, यस। अब ये माइनस से ना सारे की साइन चेंज होती, ये माइनस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता, ये फाइव हो, ये जो है माइनस होता, 2 - 1 कितना, 1, 4 - 3, 1, 3 - (-) प्लस, 3 + 2 ये कितना, 5, 2 - 5 कितना, ये -3, आंसर आ गया मेरा, ये आंसर है मेरा फाइनल, ठीक है। तो करते हैं, रोमन 3 है, 3a - c है, ओके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ना 3a करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 3, a क्या है मेरा, 2, 4, 3, 2, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहीं पे इसको सॉल्व करो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होता, 3 × 2 = 6, 3 × 12 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, ठीक है। ये क्या आया मेरे पास, 3a आया। अब करेंगे इसको सॉल्व फाइनली, देयरफॉर 3a - c, 3a क्या है मेरे पास, ये है 6, 12, 9, 6, 3a है, माइनस c क्या है मेरे पास, c यहाँ पे है, -2, 5, 3, 4, ठीक है, ठीक है। अब क्या आपस में डिफरेंस हो सकते हैं, यस, क्यों ऑर्डर सेम है, ठीक है। 6 - (-) ++2, 6 + 2 = 8, ठीक है। 12 - 5 = 7, ठीक है। 9 - 3 = 6, 6 - 4 = 2, ये फाइनल आंसर आ गया मेरा। रोमन 4 यहाँ पे देखो आप, रोमन 4 है, a × b है, ओके ठीक है। a क्या है मेरे पास यहाँ पे, इसको सॉल्व करो मैं, a × b, ए क्या है मेरे पास, 2, 4, 3, 2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई बी के साथ, बी क्या है मेरे पास, 1, 3 - 2, 5, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल होता। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 कितना, 2, +(-), 4 × 2 = 8, राइट, ठीक है। अब रो ये रहता है, कॉलम में एक स्टेप आगे बढ़ते, 2 × 3 = 6, +4 × 5 कितना, 20, ठीक है। अब ये रो ये कॉलम हुआ, रो ये कॉलम हुआ, अब देखो ये रो लेना है एक बार, कॉलम ये लेना है, 3 × 1 कितना, 3, +(-), 2 × 2 = 4, ठीक है। इसके बाद रो ये रहती, कॉलम में एक स्टेप आगे बढ़ते, 3 × 3 = 9, +2 × 5 कितना, 10 हुआ, ठीक है ना, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो आपस में, 2 - 8 - 6 हुआ, और ये नीचे -1 हुआ, और ये कितना हुआ, 26 हुआ, और ये कितना हुआ, 19 हुआ। ये क्या आया मेरे पास, ये अरे a × b आया, क्या आया, a × b। करते हैं b × a, b × a कर रहा हूँ मैं, b × a, b क्या है मेरे पास, 1 है, 3 है, -2 है, 5 है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई a के साथ करना है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अरे यस, ठीक है। अब सबसे पहले रो ये लेना, कॉलम ये लेना, 1 × 2 = 2, 3 × 3 कितना, 9, ठीक है। रो ये रहती, कॉलम में एक स्टेप आगे बढ़ते, 1 × 4 = 4, +3 × 2 कितना, 6, ठीक है। तो -2 है, देखो क्या है, -2 है, ठीक है। +(-) 2 × 2 = 4, ठीक है। 5 × 3 कितना, 15, ठीक है। +(-) 2 × 4 = 8, ठीक है। +5 × 2 कितना, 10, अरे राइट ना, ठीक है। सिंपल है, बकवास क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है। 9 + 2 = 11, 15 - 4 कितना, 11, ये कितना हुआ, 10 हुआ, और ये कितना हुआ, 2 हुआ। ये क्या आया, b × a आया। बहुत सिंपल वे से
क्वेश्चन नंबर वन हम सॉल्व करें, रोमन 1, 2, 3 यहाँ पे था और रोमन 4, 5 यहाँ पे है, इसे नोट करो आप। नंबर टू एक्सरसाइज 3.2 का कंप्यूट द फॉलोइंग बोला है, सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं? यस, ऑर्डर सेम है। यस, ए प्लस ए कितना होता है? 2a होता है। बी प्लस बी कितना होता है? 2b होता है। माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 0 होता है। ए प्लस ए कितना होता है? इसका करस्पॉन्ड इन इन है, 2a होता है। आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, बकवास बेकार क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट ना, ये फार्मूला बनता, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता, ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं? यस, ऑर्डर क्या है? 2 × 2 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बैठा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये क्या होता? बी प्लस सी का फार्मूला, बी प्लस सी होल स्क्वायर, मीन्स फार्मूला तो ये है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट ना, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, तो ए माइनस सी होल स्क्वायर का फार्मूला बैठता, अरे राइट ना, ए माइनस बी है समझो, स्क्वायर क्या होता है? फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता, अरे होता ना, राइट, ठीक है। अब ए प्लस बी होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab है, तो ये फार्मूला होता है, कौन सा होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट ना, ये मैट्रिक्स में लिखो, ये मैट्रिक्स में लिखो, अरे आंसर आ गया, सिंपल था, बेकार क्वेश्चन था, इसे नोट करो। तो रोमन थ्री करते हैं, रोमन थ्री करते हैं, क्या दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं? यस, इसका करस्पॉन्डिंग इन है, माइनस 1 + 12, अरे 11 बच्चा, 4 + 7 कितना? 11 हुआ, माइनस 6 + 6 ये 0 हुआ, ठीक है, ये 0 हुआ, 8 + 8 अरे 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, ठीक है, 2 + 3 5, 8 + 2 10 हुआ, 5 + 4 कितना हुआ? 9 हुआ, आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है, आंसर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, अपने को एक आइडेंटिटी मालूम है ना, वो आइडेंटिटी यहाँ पे लिखा रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग इन है, ऐड हो सकते हैं? यस, ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, ये भी 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन, इसका करस्पॉन्डिंग देखो ये है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी 1 है, तो आंसर क्या आया मेरा? 1111 आया, सिंपल क्वेश्चन था, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप।